दोस्तों, फिल्म की शुरुआत अमेरिका के साउथ डेकोटा से शुरू होती है। वहाँ हम एक शख्स को देखते हैं, उसका नाम ब्रैडी है। हम देखते हैं कि उसके सर पर काफ़ी गहरी चोट लगी है, जिसकी वजह से उसे स्टिचेस लगे हैं। ब्रैडी अपने घर से बाहर आता है, उसके पास एक घोड़ा भी है। वो अपने घोड़े को सहलाता है और उससे चिपक जाता है। उसे अपने घोड़े से काफ़ी लगाव है। ब्रैडी पहले रोडियो राइडिंग स्टार रह चुका है। एक बार राइडिंग करते वक्त वो ज़मीन पर गिर गया, जिससे उसके सिर पर गहरी चोट आ गई थी। दिमाग पर चोट लगने की वजह से ब्रैडी का दाहिना हाथ कमज़ोर हो गया है। तब से आज तक वो घर पर ही है। तभी वहाँ उसका डैड वायने आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए था इस वक्त, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो ब्रैडी को गले लगाता है और वहाँ से चला जाता है। ब्रैडी घर में आकर अपने सामान को देखता है, वो राइडिंग वाले जूते और वो लगाम। फिर वो अपने फ़ोन में देखता है और अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है। जब वो ग्राउंड में आता था तो पूरा स्टेडियम तालियों से गूंजने लगता था, पर अचानक से वो अपना संतुलन खो देता है और ज़मीन पर गिर जाता है। ब्रैडी के साथ घर में उसके पिता वायने और उसकी छोटी सिस्टर लिली रहती है। लिली एक बीमारी से ग्रसित है, ऑस्टेटिक डिसऑर्डर। इस बीमारी में इंसान की उम्र तो बढ़ती है, पर उसका दिमाग किसी बच्चे के समान होता है। ब्रैडी के घर बैठ जाने के बाद उसका परिवार गरीबी में जीने लगता है। ब्रैडी को इस हालत का जिम्मेदार उसके डैड वायने उसे खुद ठहराते हैं, पर ब्रैडी को खुद लगता है कि अगर वो अपना करियर रोडियो राइडिंग में बनाता तो आज परिवार की हालत ये नहीं होती। ब्रैडी बस निराशा में अपने दिन बिता रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। कभी वो ज़्यादा परेशान होता तो अपनी माँ के कब्र के पास चला जाता। उसकी माँ मैरी बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। रात लिली ब्रैडी के पास आती है और उससे कहती है, तुम खुद को तकलीफ मत दो, सब ठीक हो जाएगा। लिली मेंटली अनस्टेबल है, पर वो बातों को समझती है और वो दोनों एक दूसरे की काफ़ी केयर भी करते हैं। लिली उसके लिए एक गाना गाती है जिससे ब्रैडी को नींद आ जाए। सुबह ब्रैडी के कमरे में उसके दोस्त आ जाते हैं, वो उसे अपने साथ लेकर इंजॉय करने चले जाते हैं। ऐसे बुरे हालात में सिर्फ उसके दोस्त ही थे जिससे उसे काफ़ी हौसला मिला था। ब्रैडी वहाँ सबको अपने एक्सीडेंट की बात बताने लगता है। उसने वो घोड़ा फार्गो शहर से ख़रीदा था, पर थोड़े वक्त तक वो ठीक था, पर अचानक से उस दिन सीटी की आवाज़ सुनते ही बेकाबू हो गया और ये हादसा हो गया। आगे हम देखते हैं कि वक्त बीत रहा था। अब ब्रैडी के ज़ख्म काफ़ी हद तक भर गए थे, पर उसका दाहिना हाथ अब भी काम नहीं कर रहा था। ब्रैडी सुबह तैयार होता है और अपने घोड़े के पास जाता है और वहाँ से एक हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ वो अपने दोस्त लेन से मिलने जाता है। लेन भी सेम एक्सीडेंट का शिकार हुआ था। दिमाग पर गहरी चोट लगने से उसकी शारीरिक हालत खराब हो गई थी। उसे एक केयर फैसिलिटी में रखा गया था। अब वो कुछ बोल नहीं पाता, बस हाथ के इशारों से ही बात करता है। ब्रैडी वहाँ लेन की ही पुरानी राइडिंग वीडियोस उसे दिखाता है। उसे देख ब्रैडी भावुक हो जाता है। दूसरे दिन ब्रैडी और लिली राइड पर होते हैं। ब्रैडी उसे रोडियो राइडिंग दिखाने ले जाता है। वहाँ उसे टैनर मिलता है, उसका पुराना दोस्त, और वो उसकी इस हालत का मजाक उड़ाने लगता है, पर ब्रैडी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और टैनर जाके लिली से बदतमीजी करने लगता है। ब्रैडी उसे मारने जाता है, पर सारे दोस्त उसे आकर रोक देते हैं। दूसरे दिन ब्रैडी के घर उस ट्रेलर का मालिक आ जाता है और उसे घर का रेंट पे करने के लिए कहता है। ब्रैडी के डैड अपना सारा पैसा जुए और शराब में उड़ा देते थे, इसी वजह से वायने घर का रेंट कई महीनों से पे नहीं किया था। ऑनर कहता है कि अगर रेंट नहीं पे किया तो मुझे मजबूरन तुम लोगों को यहाँ से निकालना पड़ेगा। दूसरे दिन ब्रैडी पास ही एक लोकल स्टोर में नौकरी के लिए जाता है। उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पर ब्रैडी कहता है, मुझे टेम्पोररी पीरियड के लिए काम चाहिए। वो महिला उसे अपने कज़िन का एड्रेस देती है, जो डेकोटा मार्ट में मैनेजर है। जाते वक्त तो महिला ब्रैडी से कहती है कि तुम अपनी माँ की तरह दिखते हो, मैं उनके साथ स्कूल में जाया करती थी। आगे हम देखते हैं कि ब्रैडी को स्टोर में नौकरी मिल जाती है। दूसरे दिन ब्रैडी के घर के बाहर एक शख्स आया था, उसका नाम टॉड था। वो उसके डैड वायने से कुछ बात कर रहा था। जब ब्रैडी वायने से इस बारे में पूछता है तो वो बताता है, मैं तुम्हारे घोड़े गूस को बेच रहा हूँ। ब्रैडी कहता है, पर हम गूस को ऐसे नहीं बेच सकते। इस पर वायने कहता है कि हमें घर का रेंट पे करना है तो गूस को बेचना ही होगा। वो इस बात से अपने डैड पर काफ़ी नाराज़ हो जाता है।
उस शाम ब्रैडी अपने घोड़े गूस की आखिरी बार सवारी करता है और फिर वो उस घोड़े को लेकर चला जाता है। उसके बाद ब्रैडी बिल्कुल अकेला हो जाता है। एक दिन बिल ब्रैडी को अपने अस्तबल में बुलाता है। बिल ब्रैडी को तब से जानता है जब ब्रैडी रेडियो राइडिंग करता था। अस्तबल में एक घोड़ा जो बेकाबू हो गया था, ब्रैडी उस घोड़े पर काबू पाने में सफल हो जाता है। ये देखकर बिल काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। स्टोर में नौकरी के साथ साथ ब्रैडी घोड़ों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम भी करने लगा। एक दिन वो एक शख्स के घर एक घोड़ा पहुँचाने जाता है। वहाँ उसे एक घोड़ा दिखता है। ब्रैडी के पूछने पर वो बताता है कि उसका नाम अपोलो है। वो शख्स कहता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम इसे खरीद कर ले जा सकते हो। रात वो देखता है उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो घोड़ा खरीद सके। वहने के पूछने पर ब्रैडी बताता है कि मैं विक्टर के घोड़े को खरीदना चाहता हूँ। वहने कहता है, मैंने इस बारे में विक्टर से बात कर ली है, हम उसे पैसे बाद में दे देंगे, तुम कल जाकर उस घोड़े को लेकर आ सकते हो। ब्रैडी अपोलो को घर लेकर आता है, पर अपोलो खुद पर किसी को बैठने देने को राजी नहीं था। ब्रैडी उसे ट्रेन करता है और कुछ ही देर में उस पर काबू पा लेता है और फिर वो उस पर राइडिंग करता है। शाम लिली और ब्रैडी साथ बैठे होते हैं। वो उसे बताता है कि मैं एक हॉर्स ट्रेनर की नौकरी कर लेता हूँ, पर लिली उसे मना करती है। पर ब्रैडी कहता है कि वो उसके लिए उन पैसों से अच्छे प्रेजेंट्स लेकर आएगा। ब्रैडी बताता है कि वो उसकी बहुत केयर करता है। दूसरे दिन से ब्रैडी घोड़ों को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। कुछ देर में उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। आगे हम देखते हैं कि ब्रैडी एक हॉस्पिटल में है। वहाँ डॉक्टर बताती है कि तुम्हारा दाहिना हाथ काम नहीं कर रहा है, इसकी वजह पार्शियल कॉम्प्लेक्स सीजर है। इसमें दिमाग हाथों को बहुत फास्ट सिग्नल भेजता है और तुम्हारा हाथ उस सिग्नल को समझ नहीं पाता और काम करना बंद कर देता है, और इसके लिए तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। अगर तुम इस हालत में काम करते रहोगे तो ये तुम्हारे लिए घातक होगा, और रोडियो राइडिंग से दूर रहो। रात ब्रैडी और उसके डैड राइड पर होते हैं। वायने उससे कहता है कि कई बार सपनों को छोड़ देना ही सही फैसला होता है, पर ब्रैडी कोई जवाब नहीं देता। दूसरे दिन हम देखते हैं कि ब्रैडी अपने जेम्स को रोडियो की ट्रेनिंग दे रहा होता है। वहाँ वो देखता है उसके हाथ की मुट्ठी खुल नहीं रही है, शायद उसकी हालत पहले से खराब हो गई थी। ब्रैडी जेम्स को घर लेकर आता है और उसे रोडियो काउबॉय की शर्ट देता है जो उसे बहुत पहले लेन ने गिफ्ट की थी। उस शर्ट की कीमत $15,000 थी। शायद ब्रैडी अब अपने सपनों को छोड़ना चाहता था। जेम्स एक रेसलर होता था, पर उसे भी रेसलिंग छोड़े हुए काफ़ी वक्त हो गया था। ब्रैडी उसे अपने साथ रेसलिंग करने के लिए कहता है। दोनों रेसलिंग शुरू कर देते हैं। रेसलिंग के वक्त ब्रैडी एग्रेसिव हो जाता है और जेम्स का गला पकड़ लेता है, जिससे जेम्स काफ़ी नाराज़ हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। ब्रैडी खुद नहीं समझ पा रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। दूसरे दिन ब्रैडी हॉस्पिटल में हॉर्स सैडल पैड लेकर जाता है और लेन को उसके ऊपर बिठाता है। लेन ये देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। हम देखते हैं कि ब्रैडी ड्राइव करते करते रोने लगता है। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं कि कैसे एक एक्सीडेंट ने उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। दूसरे दिन स्टोर में दो भाई आते हैं, वो ब्रैडी के बड़े फैन थे। वहाँ वो दोनों उसके साथ पिक्चर क्लिक करते हैं और वो उसे कहते हैं एक बार फिर से रोडियो राइडिंग शुरू करें। ब्रैडी घर आता है, वो देखता है कि उसके फेंस में फंसकर उसके घोड़े के पैर में चोट आ गई थी और अब शायद वो कभी दौड़ नहीं पाएगा, ना ही चल पाएगा। ये देखकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। ब्रैडी अपनी गन से उसे शूट करने जाता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। इस काम को वो अपने डैड को करने के लिए कहता है। वायने उस घोड़े को मार देता है, फिर ब्रैडी वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन ब्रैडी तैयार होकर अपने सारे सामान के साथ घर से निकलता है। उसके डैड के पूछने पर वो बताता है कि वो रोडियो राइडिंग पर जा रहा है। वायने उसे समझाता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए, पर वो अपने ही डैड की कही बात को याद दिलाने लगता है कि ज़िंदगी में कितनी ही मुश्किल आ जाए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। वायने उसे राइड पर जाने से मना करता है, पर ब्रैडी नहीं रुकता, वो राइड पर निकल जाता है। राइडिंग पर जाने से पहले ब्रैडी पीछे देखता है, वहाँ उसकी सिस्टर और उसके डैड भी आए थे। उसके डैड के चेहरे पर एक चिंता और डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो ब्रैडी को इशारा करते हैं कि वो वापस आ जाए, उसे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रैडी अपने हाथों की तरफ देखता है और दूसरी तरफ वो अपने परिवार के बारे में सोचता है। फिर वो वहाँ से लौटकर अपने डैड की तरफ जाने लगता है और वो दोनों गले मिलते हैं। ब्रैडी को पता चल जाता है अगर ज़िंदगी ने उसे एक मौका दिया है
तो शायद जिंदगी उससे ज़रूर कुछ चाहती होगी और वो अब अपनी नई जिंदगी को इस तरह से बर्बाद नहीं करेगा। फिल्म इसी दृश्य के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको फिल्म कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई फिल्म के एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।